हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रियाज क्लासेस तो आज के सेशन में हम एक नए यूनिट की शुरुआत करेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट दिस यूनिट इज पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट इज इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट आई बी ओ वन एम कॉम इग्नू सो बिफोर वी बिगिन इफ यू लाइक द दीडियोज आई एम शेयरिंग डू हिट द लाइक बटन डू शेयर योर कमेंट्स लेट मी नो यू फाइंड ऑल दिस यूजफुल फॉर योर स्टडीज ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू वोट मिस आउट ऑन वॉचिंग एंड लर्निंग फ्रॉम माई वीडियोज चलिए शुरुआत करते हैं इस यूनिट की जो कि है इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि हमको क्या क्या टॉपिक्स जो है इस यूनिट में कवरअप करना है तो हम शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करेंगे उसके बाद हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है क्या नेक्स्ट अबाउट द एनालिस ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ फॉरन इन्वायमेंट देन वी विल स्टडी अबाउट जोग्राफिकल इन्वायरमेंट इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इन्वायरमेंट डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट पोलिटिकल इन्वायरमेंट लीगल इन्वायरमेंट एंड फाइनली इकोलॉजिकल एन्वायरमेंट सो ये सारे टॉपिक्स जो है हमको कवरअप अप करना है इंटरनेशनल बिजनेस इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस एन्वायरमेंट यूनिट में सो so, अगर हम बिजनेस की बात करें इतने टाइम से हम बिजनेस वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं कि बिजनेस हम करते क्यों है हमारा मेन जो जो भी एक्टिविटीज एक बिजनेस कर रहा है चाहे वो एक प्रोडक्ट बना रहा हो या फिर वो कोई सर्विसेज में इन्वॉल्व हो कि कोई सर्विस बेस्ड कोई सर्विसेज वो दे रहा हो कस्टमर को सबका जो है एम यही रहता है टू मेक प्रॉफिट सो प्रॉफिट कमाना जो है बिजनेस का मेन एम रहता है एंड जो भी एक्टिविटीज़ बिजनेस करता है विच इज़ रिलेटेड टू इंडस्ट्री एज वेल एज कॉमर्स ये सारे एक्टिविटीज़ अगर ये सारे एक्टिविटीज़ जो है अब आपका ये कंट्री है ओके okay, अगर ये आपका कंट्री है इंडिया इसके बाहर आप ये सारे एक्टिविटीज करोगे टू मेक प्रॉफिट तो हम उसको इंटरनेशनल बिजनेस बोलेंगे सो so, बिजनेस जो इंडिया में ही कर रहे हैं वो डोमेस्टिक बिजनेस हो गया आपका ओके okay? बट इंडिया का ये जो बॉर्डर है इस बॉर्डर के बाहर जाके अगर आप बिजनेस करोगे आपका जो भी बिजनेस है चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विसेज हो तो वो इंटरनेशनल बिजनेस कहलाएगा सो इंटरनेशनल बिजनेस क्या है सिंपली जब आप अपना पॉलिटिकल बॉर्डर जो है कंट्री का वो क्रॉस करके बाहर बिजनेस करते हो तो वो क्या कहलाएगा इट विल बी नोन एज योर इंटरनेशनल बिजनेस एंड इसमें अब देखो डोमेस्टिक बिजनेस में भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक कंपनी को जो है इफेक्ट करता है कंपनी के वर्किंग को इफेक्ट करता है कंपनी में जो भी डिसीजन मेकिंग लेना होता है उसको इफेक्ट करता है सिमिलरली अगर आप इंडिया के बाहर बॉर्डर के बाहर जाके आप अगर बिजनेस करोगे तो ऑब्वियसली बाहर भी काफी सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे जो आपके जो आपके काम को इफेक्ट करेंगे है ना तो ये तो ऑब्वियसली बात है तो इंटरनेशनल फैक्टर्स भी आप जिस तरीके से डोमेस्टिक फैक्टर्स बिजनेस को वैसे ही आर वेरियस इंटरनेशनल फैक्टर्स जो हमको पढ़ना पड़ेगा वो सारे फैक्टर्स भी जो है बिजनेस को इफेक्ट करते हैं नेक्स्ट जो पहला टॉपिक है हमारा विच इज कॉन्सेप्ट एंड रिलेवेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरमेंट तो हम अब कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जो बिजनेस एनवायरमेंट है उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का सब कुछ चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग में आ, को इम्पैक्ट कर रहा हो उसके वर्किंग को इम्पैक्ट कर रहा हो सो एनीथिंग जो कि उसके सराउंडिंग में हो वो सारा उसका एनवायरनमेंट कहलाता है सो देर आर वेरियस फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि बिज़नेस को इम्पैक्ट करते हैं हम उन सारे फैक्टर्स को एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलते हैं ओके okay? सो so, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है आपके वेरियस डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं तो इसमें जो सबसे पहला आपका फैक्टर आता है दैट इज माइक्रो एंड माइक्रो एनवायरमेंट तो माइक्रो एनवायरमेंट क्या है देखो माइक्रो एनवायरमेंट ऐसी चीजें हैं ऐसे चीजें जो कि फर्म के इमीडिएट एनवायरमेंट में आते हैं ओके okay? जैसे कि आपका मिडलमैन हो गया ट्रांसपोर्टर्स हो गया सप्लायर्स हो गया आपके कस्टमर्स इवन आपके कस्टमर्स भी हो गए ये सारा चीज़ें जो कि एक फर्म को डायरेक्टली अफेक्ट करता है डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है फर्म के डिसीजंस को फर्म के ऑपरेशन को डायरेक्टली जो इन्फ्लुएंस करता है फर्म के इमीडिएट एनवायरमेंट में होता है उसको हम क्या बोलेंगे वी विल कॉल इट एज माइक्रो फैक्टर्स इसके अलावा यू हैव योर कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो जो कि uh, जो कि टक्कर देते हैं कंपनी को वो भी जो है हमारे माइक्रो एनवायरमेंट में ही आता है तो मैक्रो एनवायरमेंट क्या है माइक्रो तो हमने देख लिया क्या है मैक्रो एनवायरमेंट क्या होता है मैक्रो एनवायरमेंट में आपके वो सारे ब्रॉडर फोर्सेस आते हैं जो कि फर्म को इफेक्ट करते हैं इसमें आता है आपका एक्चुअल ये जो हम जोग्राफिकल एनवायरमेंट की बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरमेंट की बात करते हैं इफ़ टॉक अबाउट फाइनेंशियल एनवायरमेंट सोशल पॉलिटिकल, लीगल टेक्नोलॉजिकल ये सारे चीज़ें जो है आपके मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं सो ऑल दो ब्रॉडर फोर्सेस जो कि फर्म के ऑपरेशंस को या फिर फर्म के डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं वो सारे हमारे मैक्रो में आते हैं माइक्रो में कौन से आते हैं जो कि इमीडिएट फर्म के एक ऑर्गेनाइजेशन के इमीडिएट जो है इन्वायरमेंट uh, में रहता है वो आपका माइक्रो फैक्टर्स रहेगा इसके अलावा आपका डोमेस्टिक फॉरेन एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट की बात आती है देखो डोमेस्टिक तो आपको पता ही है क्या चीज़ है ना डोमेस्टिक मतलब कि जैसे मैंने पहले बताया एक ये कंट, अगर हमारा कंट्री है तो अगर इस कंट्री के बॉर्डर के अंदर आप सारा काम कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा आपका डोमेस्टिक ओके okay? तो वो डोमेस्टिक uh, और डोमेस्टिक में क्या एक फ़ायदा रहता है कंपनी को कि वो जो फैक्टर्स होते हैं वो कंट्रोलेबल होते हैं अब जैसे इंडिया के अंदर ही आप काम कर रहे हो आपको पता है कि इंडिया का जो है रूल्स वगैरह क्या है इंडिया में लीगल सिस्टम किस तरीके से चलता है इंडिया का जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर है वो किस हिसाब से है इंडिया का इकोनॉमिक क्लाइमेट जो है वो किस हिसाब से है तो ये सारी चीजें जो होते देखो है तो अनकंट्रोलेबल बाय अ फर्म बट फर्म जो है उससे फेमिलियर है ओके okay? तो वहाँ पे काम करा कोई ऐसा चीज में आपको काम करना आसान होगा कर जिससे आप फेमिलियर हो तो ये चीजें इसको एकदम कंट्रोलेबल कहना तो खैर गलत ही होगा क्योंकि दीज फैक्टर्स ऑब्वियसली आर अनकंट्रोलेबल तो अनकंट्रोलेबल तो है ही ये फैक्टर्स बट जस्ट वो बिकॉज वो हमारा जो पॉलिटिकल बाउंड्री uh, है उस बाउंड्री के अंदर है तो वो सिंपल आपका डोमेस्टिक कहलाएगा एंड फॉरेन अगर हम फॉरेन कंट्री की बात करें फॉरेन एन्वायरमेंट की बात करें तो फॉरेन एन्वायरमेंट जो है आपका अगेन एक ज्योग्राफिकल एन्वायरमेंट से आता है ओके okay? कि ज्योग्राफिकल एन्वायरमेंट आपका किस तरीके से होगा वहां पे भी आपका इकोनॉमिक लीगल इकोलॉजिकल ये सारी चीजें वहां पे भी आपको इफेक्ट करेगा एंड यहां पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको आप जब दूसरे कंट्री में काम करते हो ना तो वहां का आपका आपका लीगल सिस्टम वो सब अलग होता है तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलशन आपके ऑर्गेनाइजेशन को पता होने चाहिए वरना आपको बहुत ही ज़्यादा हाँ प्रॉब्लम में लीगल प्रॉब्लम में फंस सकते हो और आपके जो पैसे हैं बहुत ज़्यादा जो अननेसेसरिली जो है इन सब चक्करों में आपका स्पेंड हो सकता है एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट तो आपका ऑब्वियसली जो ओवरऑल जो इंटरनेशनल एनवायरमेंट है जहाँ पे जो है वो सारे जो हमारे आईएमएफ uh, वगैरह हो जो जो भी आपके ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है इस ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर आपको आपका आता है तो यहाँ पे आपके बुक्स में एक अच्छा सा फिगर दे रखा है जिसमें ये तीनों जो है जो हम पढ़ रहे हैं डोमेस्टिक या डोमेस्टिक एन्वायरमेंट या फॉरेन एन्वायरमेंट या फिर अगर हम बात करें ग्लोबल इन्वायरमेंट की तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो है इजी वे में शो कर रखा है सो so यहाँ पे अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें डिसीजन जो है आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड लेना पड़ता है फाइनेंस से रिलेटेड लेना पड़ता है ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड एज वेल एज मार्केटिंग के रिलेटेड ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होती हैं तो हम इसको बोल सकते हैं कि ऑल दीज फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल ये कंट्रोलेबल क्यों है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीजें हैं एंप्लॉज आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के प्रोडक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के हैं प्रोडक्शन आप किस तरीके से करोगे वो डिसीजन भी आपका ही है और वो डिसीजन भी क्या है वो डिसीजन भी आपका आ, आपके आपका जो कंपनी है उस कंपनी के अंदर है तो ये चीज़ें कंट्रोलेबल हैं ओके यू कैन कंट्रोल देम यू हैव कंट्रोल ओवर ऑल दीज थिंग्स फिर उसके बाद आपका आता है ये जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में आपका कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर आता है पॉलिटिकल लीगल फोर्सेज आता है एंड इकोनॉमिक क्लाइमेट आता है ये आपके कंट्री का जो कंट्री का जो पॉलिटिकल बॉर्डर्स है उसके अंदर की कहानी है फिर हम और अगर बाहर जाते हैं डाइवर्सिफाई होते हैं तो यहाँ पे आपका फॉरेन एन्वायरमेंट आता है विच इज़ अगेन अनकंट्रोलेबल जहाँ पे आपका जोग्राफिकल इन्वायरमेंट आता है इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट लीगल इन्वायरमेंट इकोनॉमिक क्लाइमेट सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इन्वायरमेंट तो एन्व ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आपका आएगा जो अगेन अनकंट्रोलेबल है कंपनी के कंट्रोल से बाहर की चीजें हैं और अगर यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में या फिर किसी भी हरकत में आपने कोई भी तरीके से किसी भी प्रकार का गड़बड़ कर दिया तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देगा आपको एंड फाइनली यू हैव द ग्लोबल इन्वायरमेंट अगेन इसमें जो है देयर आर ऑल अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स जिसमें कि आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आता है देन आपका रीजनल इकनॉमिक ग्रुप्स एंड अरेंजमेंट ये सारा आता है देन यू हैव इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज देयर एग्रीमेंट एंड फाइनली यू हैव द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑल योर सिस्टम जिसमें आई एम एफ वगैरह आते हैं आपके ओके okay? सो so, ये सारे चीजें आपका किस में आता है ग्लोबल इन्वायरमेंट में आता है विच इज अगेन नॉट विद इन योर कंट्रोल जो हम बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है जैसे मैंने आपको आईएमएफ तो बता ही दिया वैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी है आपका जो है यूएनसीटीएडी जो हम बोलते हैं वो भी इसी में आता है आ, तो ये सारी चीज़ें आपका यूरोपियन यूनियन हो गया आपका नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन हो गया आसियान अगर हम बोले आसियान क्या होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस तो ये सारा जो है दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंटल फोर्सेस जो कि जिसका इफेक्ट जो है वर्ल्ड वाइड होता है सारे रीजन में होता है ओके रीजनल इन्फ्लुएंस रहता है इनका ओवर योर बिजनेस जो भी आप बिजनेस करोगे तो उसमें इसका रीजनल इन्फ्लुएंस आपका रहेगा अभी सारे एनवायरमेंट हमने देख लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट हमने देख लिया अब इन सब का जो है रेलेवेंस क्या है देखो रेलेवेंस इसलिए है क्योंकि जो एनवायरमेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिज़नेस में ओके okay? बिजनेस के आपका जो बिजनेस का ऑपरेशन होता है आपका बिजनेस किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करेगा वो सारा जो है एनवायरमेंट इफेक्ट उसको बिल्कुल ही करता है लाइक like अगर कोई भी एक फर्म है वो एंटर करता है इंटरनेशनल बिजनेस में तो उसको दो मेजर जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना पड़ता है दो मेजर डिसीजंस अगर हम बात करें अगर कर एक ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से तो जो पहला है उसका यही रहता है कि क्या मार्केट में आप जाना चाहोगे लाइक like आप टारगेट जो है आप मेन फोकस या फिर आप मेन टारगेट जो है कौन से मार्केट को कर रहे हो एंड जो सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज हाउ टू एंटर दैट पर्टिकुलर मार्केट तो पहला तो आप कौन सा मार्केट क्या आप यूएसए में जाना चाहते हो या फिर आप क्या कोई यूरोपियन स्टेट कंट्री में जाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा मार्केट में आप जाना चाहते हो एंड द सेकेंड थिंग आपको ये चूज करना पड़ेगा कि वहां पे जो है आप एंट्री कैसे करोगे क्योंकि अब इंडिया जैसा लोग नहीं है बाहर के लोग इंडिया जैसे नहीं है उनका व्यू पॉइंट अलग रहता है उनके नीड्स एंड वगैरह अलग रहते हैं उनका जो परचेजिंग पावर वगैरह है वो अलग टाइप का रहता है तो आपको जो है वो सारी चीजों को दिमाग में रख के आपको जो है डिसीजन डिसीजन मेकिंग आपको करना पड़ेगा तो हाँ रेलेवेंस तो है काफ़ी ज़्यादा है एनवायरमेंट का अगर एक एन्वायरमेंट में अगर ऐसे एन्वायरमेंट में चले गए जहाँ पे जो है जहाँ पे आप वहाँ पे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है कोई कंट्री और वहाँ पे आप मैनुअल लेबर इंटेंसिव वैसा टाइप का काम कुछ करने जाओगे तो आपको जो है दिक्कत तो होगी होगी कि कि आप अगर लेबर इंटेंसिव टाइप वहाँ काम करोगे ऐसे एनवायरमेंट में तो ऑब्वियसली आपको दिक्कत होगी तो यहाँ पे जो है आपको देखना पड़ेगा कि जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ पे आपको कितना पैसा खर्चा करना है फॉर्म का जो फ़ॉरन ऑपरेशंस है फाइनेंस के व्यू पॉइंट्स है वो किस तरीके से होगा कितना आप रिपैट्रिएट करोगे आप जो है मार्केटिंग मिक्स मार्केटिंग मिक्स आपको पता ही है क्या होता है हमने स्टार्टिंग में मार्केटिंग वगैरह के में ये टॉपिक को पढ़ा था कि आप किस तरीके से आप कैसे, कैसे किस किस हिसाब का मार्केटिंग मिक्स जो है यूज़ करोगे अपने प्रोडक्ट वगैरह के लिए तो ये सारी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका जवाब जो है आपके पास होना चाहिए तो यहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि ये जो एनवायरनमेंट है एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोटेंट है और एनवायरनमेंट के फैक्टर्स जो है वो एक फर्म की डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते करते छोटे से छोटे डिसीजन को जो है वो अफेक्ट करता है